हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा DIY शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वुडन स्पैचुला लिया है जो मैं काफ़ी टाइम से अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसको मैं पेंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सारे ही एक्रेलिक पेंट यूज़ किए हैं, तो मैं इसको प्लेन वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। देखिए ये पूरा पेंट हो गया है। मैंने इसको आगे पीछे पूरा 2 कोट पेंट कर लिया है। 1 कोट सूखने के बाद में देन मैंने 2nd कोट किया था। यहाँ मेरे पास है एक केक बोर्ड, ये काफ़ी बड़ा था और मोटा भी था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको कट किया है और जितना बड़ा मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया है। और अभी मैं यहाँ पे सेम एक्रेलिक पेंट से इसको ब्लैक पेंट कर रही हूँ पूरा। इस पर कलर बहुत मुश्किल से चढ़ता है। इसको भी मैंने 2 कोट पेंट किया है। 1 सूखने के बाद देन मैंने दूसरा अप्लाई किया है और यहाँ पे ये पूरा पेंट हो गया है। अब इसको एक तरफ हम ड्राई होने देते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अभी आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोल्डेड क्ले और इससे मैं यहाँ पर कुछ डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो मैंने एक छोटा सा शेप लिया, उसको ओवल शेप दिया। और वैसे तो क्ले स्टिक हो जाता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे फेविकोल यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा फेविकोल लगा के जो मैंने शेप बनाया था उसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है और फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो देन नीचे भी मैं एक पतला पतला क्ले लेके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 24x7। इसको स्टिक करने के बाद आप कोई पतली स्टिक से या फिर फिंगर से इसके एजेस को क्लियर कर सकते हो, जो भी इसके साइड्स हैं उसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे सकते हो। और अभी मैंने यहाँ पे एक पिन लिया है और पिन की हेल्प से मैं इस पर ओपन लिख रही हूँ और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम दूसरा कुछ कलरिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला का जो हैंडल है ना उसको थोड़ा सा कलर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ही ब्राइट कलर यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मैं येल्लो कलर यूज़ कर रही हूँ। और हैंडल के साथ साथ जहाँ पर मैंने 24x7 लिखा है ना, उसका बैकग्राउंड भी मैं येल्लो करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ। मैंने हाफ एन आवर इसको सूखने के लिए रख दिया था और उसके बाद अभी ये पूरा कंप्लीट ड्राई हो गया है, कलर भी और क्ले भी। तो अभी हम इसको कलर करेंगे। तो जो ओपन लिखा था ना मैंने, उसको मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ। और उसके बाद जो नीचे मैंने 24x7 लिखा है इसको भी मैं एक ब्राइट कलर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी से, अगर आप ये क्रिएट करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर चाहो यूज़ कर सकते हो। Use your own creativity। मेरे पास जो कलर्स अवेलेबल थे वो मैंने यूज़ किए हैं और मेरा जो बोर्ड मैंने कलर किया था वो भी ड्राई हो गया था अच्छा खासा। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन से ये स्पैचुला को ये बोर्ड पे स्टिक कर रही हूँ। और अगेन यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और थोड़ा सा फेविकोल लगा के यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप दे के और फिर उसको स्टिक किया और फिर उसको फिंगर से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। और उसके ऊपर भी मैंने एक पतला सा शेप लेके ऐसे लगाया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केटल, तो ऊपर मैंने एक छोटा सा राउंड ले के देन उसको शेप दे के ऊपर स्टिक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हैंडल बना रही हूँ। और अच्छा, मैंने क्ले एक साथ में मिक्स नहीं किया था क्योंकि क्ले ड्राई हो जाता है, फिर उसके शेप्स नहीं आते। तो मैंने बारी बारी करके क्ले मिक्स किया था। तो ये इस तरीके से मेरा केटल रेडी हो गया था। इसको मैंने पूरा ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। और अभी मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पिंक कलर चाहिए था, मेरे पास पिंक कलर नहीं था और जो मेरा रेड कलर था वो भी फिनिश हो गया था। तो उसी बॉटल में मैंने थोड़ा सा वाइट पेंट डाला और ये पिंक में टर्न हो गया। तो अभी इसको मैंने कलर कर दिया है पिंक से। और जो दूसरा ब्लू कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने ब्लू और वाइट मिक्स करके देन लाइट ब्लू कलर लिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कुछ कलर्स से ज़्यादा कलर्स भी बना सकते हो, मतलब सारे कलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देन ऊपर के साइड में मैंने थोड़ा सा फेविकोल लगा के जो डेकोपेज टिश्यू पेपर होता है ना उसको स्टिक किया है और जो उसके साइड्स थे
वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से थोड़ा सा ऐसे शेड्स दे दिया है ताकि जो उनके बॉर्डर हैं, किनारी है, वो गंदी ना लगे इसके लिए। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा सा ही कोटेशन लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ चाय स्टेशन, तो मैंने ब्रश, पेंट ब्रश यूज़ करके ही लिखा है चाय स्टेशन। और उसके बाद ये पूरा रेडी हो गया था। अब मुझे इसके जो एजेस थे, जो इसके साइड्स थे, इनको हाइड करना था, तो मेरे पास और कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास ये जूट रोप था, तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन से ये जूट रोप को स्टिक कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा टी स्टेशन का DIY तैयार हो गया था। मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में इसको प्रिपेयर किया था, वो इसलिए क्योंकि क्ले को सूखने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। हाँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत लगी थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चाय स्टेशन ओपन 24/7। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए हमें टी स्टेशन ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में एक छोटा सा DIY टी स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ, मेरे छोटे से किचन में मैं कैसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अगर आपको देखना है तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।